It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. A tequila with some salt and lime. Oh my, am I all right? मैंने बनाया है बनाना फर्टिलाइजर जो पौधों के लिए बहुत मैजिक काम करता है. आज सब दूंगी पौधों में क्योंकि समर डेज में पौधों की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, नहीं तो ये मुरझा जाते हैं, इनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं. तो एकदम सही क्वांटिटी में पानी देना पड़ता है. और कुछ होम मेड फर्टिलाइजर जो मैं खुद बनाती हूँ वो मैं देती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन से फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स में देती हूँ और मैं कैसे केयर करती हूँ. और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली और बिना मेहनत का, मतलब बहुत कम मेहनत में ये वाला फर्टिलाइजर बन जाता है. तो मुझे स्पेशली बहुत पसंद है ये वाला और एक नीम वाला. तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक. तो आज दिन की शुरुआत करते हैं. तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में मैंने चाट बनाई थी, स्प्राउट नहीं बनाया, सिर्फ चने की सिंपल चाट बनाई थी. और यहाँ पर हमने ऑनलाइन कुछ ग्रॉसरी आइटम मंगाए थे, वही लिया मैंने. और कोविड में एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, तो प्लीज़ आप भी हाथ सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए और अपना ध्यान रखिए. और यहाँ पर मैं पानी पूरी की तैयारी कर रही हूँ, तो पूरी मैं पहले से फ्राई करके रख दूँगी. और वहाँ पर स्वीटू ने उत्तपम बनाया. मेरी बिटिया स्वीटू. हाँ, अब अंकल कर रहे हैं. सो हम यहाँ बदमाशी कर रहे हैं, सो हम पानी पूरी का इंतजार कर रहे हैं. ये पानी पूरी नीचे गिर गई है. और ये हमारी मैडम जी. आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे पानी पूरी बन रही है. यहाँ पे सोहम चल रहा है और मैं भी खा रही हूँ. आज है संडे और अभी मैं आज बनाने वाली हूँ पानी पूरी. तो पूरी तो सब फ्राई करके पहले से रखी, रेडीमेड लाई थी. चने बॉईल करने के लिए रखे हैं, आलू बॉईल हो चुके हैं जो अभी स्वीटू छिलके हटाएगी. और यहाँ पे मैं मीठी चटनी बना रही हूँ, तो मीठी चटनी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ये अभी ये वाला काम करेगी. तो फ्रेंड्स ये रहे आलू, फर्स्ट आलू. फ्रेंड्स मम्मा भी आ गए हैं. मम्मा और यहाँ पे ये रहा सोहम, बोलो हाय. हाय. और पापा दिखाना पापा. तो यहाँ पे आलू है बॉइल्ड. और अब मामा है ना, क्या करनी है? यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, इमली की चटनी. तो यहाँ पे हम लोग चने ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे नमक डाल रहे हैं. और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल. हाँ, काला नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, एज पर योर टेस्ट. तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, मिक्स इट वेल. गर्म बहुत है. तो यहाँ पे मम्मी ने इमली की चटनी गैस पे चढ़ा दी है, गुड़ मिक्स करके. हाँ, गुड़ मिक्स करके. मैंने और मिर्ची ऐड करी है क्योंकि सोहम को है ना उनका मिर्ची वाला पसंद है. यहाँ पे फ्रेंड्स में ना पानी पूरी का पानी बना रही हूँ, जिसमें मैंने हरी मिर्च, पुदीना और काला नमक डाला है. और अब मैं इसे पीसूंगी और फिर पानी में मिक्स करूंगी. ये सोहम कितना चला है देखो, ये बदमाश बच्चा, बहुत बहुत बदमाश बच्चा है, बहुत बहुत मस्ती करता है. अभी इसको क्या पानी पूरी खानी है. और ये किससे खाएगा? इसके लिए बनाई है मैंने मीठी चटनी. किसके लिए बनाई है? यहाँ गिर जाएगा ये स्लैब बना के मैंने बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है. आके इससे बैठ, इससे बैठ, ये और मार खाएगा. प्याज को चॉप करते हैं. देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास चॉपर है. और आज यहाँ पे मैंने नमक और लाल मिर्च डाली है. अब मैंने थोड़ी सी चॉप करे थे वो जो आलू का मसाला मुझे रेड करा था, उसके अंदर मैं प्याज ऐड करने वाली थी. ऐसे प्याज कर दिया, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी. तो फ्रेंड्स हमारा ये जो है वो हमारा रेडी हो गया. और मम्मा यहाँ पे नींबू डाल रही है और मिर्ची भी रेडी हो गया. हाँ, इसमें सिर्फ मसाला ऐड करूंगी, एवरेस्ट का पानी पूरी मसाला. और फ्रेंड्स ये रहा
दाल का मसाला रेडी हो गया है। ये आपको उल्टा इसमें बूंदी ऐड करने वाली है। मैं कितनी सी मिर्ची और बस सॉरी बस फ्रेंड पानी पूरी तो रेडी हो गई है और सब भी हमने कर लिए। बस वेट है तो ये देखो बनवासी करो वेट है तो इनका यहाँ और डेढ़ दो बज गई है और ये नहा भी गए हैं तो जब नहा के आएंगे तो उसके बाद हम खाएंगे। और ये चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सोहम की पानी पूरी, ये रही हमारी पानी पूरी, ये रहा मसाला, ये रहा दही, ये हमारे दही पूरी और पानी। पापा दही पूरी खाएंगे तो ये दही पूरी पापा के, दही पापा के लिए ये पूड़ियाँ और ये नमकीन, ये भी नमकीन, ये आलू का मसाला जो मैंने आपके साथ शेयर करा था और ये पानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था और यहाँ पे हमारी मीठी इमली की चटनी। और ये देखिए और ये रही मम्मा, तो आप टेस्ट करिए बताइए हमें भाई, करिए पहले। तो बस अब स्वीटू और सोहम तो खाने तैयार हो गए, कब से खा रहे चलो तो अब हम भी फटाफट पानी पूरी खाते हैं। अभी पानी डालेंगे मस्त बेगी। मेरे आप लोगों के लिए टेस्ट करे मम्मी। ओ बेटा जी ओके फ्रेंड तो हम पानी पूरी एंजॉय करते हैं और आप हमारा वीडियो एंजॉय करिए। ओके फिर मिलते हैं, बाय। अभी टाइम हो गई है 3 बजी है और किचन का सारा काम हो गया। उसके बाद मैं उसको सुला रही थी पर वो सोया नहीं, अब हॉल में खेल रहा है और अब मैं एडिटिंग करने बैठूंगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके फिर मिलती हूँ आपसे। सरप्राइज देती हूँ चीज का, तो चलिए फिर देती हूँ, अभी लेके आती हूँ। फिर आइस क्लोज करो ले। तो चलिए खाते हैं। अरे सोम के लिए बिस्किट लाना है, मेरा दूध है। नहीं बॉल मीटर डाला, बॉल मीटर डाला। सबसे पहले हम पानी पीते हैं। पानी टेस्ट करिए और हमें ये भी बताइए मेरी स्पेशल चाय का आपके रिव्यू से फ्रेंड्स ट्राई करेंगे। बहुत अच्छी चाय, तो आप लोग जरूर ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
बचपन में वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, मैं बताती हूँ। मम्मी वैसे अभी मम्मी और पापा की टीम है, मिक्की भैया और चीनु दीदी की टीम है, ये रहा सोहम। तो फ्रेंड्स अभी मम्मा क्या बना रही है, मम्मा और मम्मा अभी बना रही हैं आलू पूरी। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये रही आलू, आलू का मसाला पूरी है और यहाँ मम्मा है। दैट इज मेड बाय माय मम्मी। अभी हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया ये तो सबसे आलू का पराठा बनाया ना फ्रेंड्स, तो इससे ऐसे करिए, ऐसे कटोरी ऐसे करो थोड़ा डीप, और फिर इसमें ना जाएगा हमारा स्वादिष्ट आलू। ये पानी पूरी का जो मसाला बच गया था ना, उसी से पराठे बना रही हूँ। इसे ऐसे करके इससे क्या होगा, पराठा फटेगा भी नहीं और पराठे बनेंगे। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको अब मैं ऐसे करके एकदम मुंह तक इसको रोल कर अब इससे इसको बेलेंगे हम। फ्रेंड मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ आपको, और इसमें चने होने की वजह से निकल रहा, तो देखिए कहीं से भी आलू नहीं निकल रहा, अच्छे से बन गया है। तो चलिए अब इसको साफ करते हैं। कि 9 बज चुकी है और किचन का सारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। कब से पहले इनका खाना हो जाता है, उसके बाद मैं खाती हूँ, फिर बच्चे खाते हैं। और अभी इसने हॉल में पूरे खिलौने बिखेर दिए सोम ने, और अब सोम का टाइम हो गया दूध पीने का, तो मैं इसे दूध बना के दूंगी। और फिर सोम क्या करेगा, सोएगा। क्या करोगे? सोएगा। ओके। और जो फैशन ग्रीस है, जब मैंने सामान मंगाया था फैशन ग्रीन से, अभी हम ऑनलाइन ही सामान मंगा रहे हैं, ग्रोसरी आइटम। तो आपको बता देती हूँ मैं, ये ओट्स की है वीट ब्रेड, और जो मैंने पाव मंगाए हैं वो भी पाव भी वीट पाव है, मतलब गेहूं के आटे की है। तो छोटा मोटा सामान है, मूँगफली और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब सामान मंगा है। तो ये भी सुबह मॉर्निंग आया था, तो अभी इनको मैं भी फ्रीज में रखूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो खराब हो सकते हैं। किचन ऑलमोस्ट सब साफ हो चुकी है, यस। और अचार भी बन के रेडी हो चुका है, और इसमें मैं कल तेल डालूंगी। इसे हिलाती रहती हूँ मैं, इसमें मेरे को कल तेल डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट इसके लिए दूध बना लेती हूँ। कौन क्या हो, देख रहे हो ये सब, तो इसने बिखेरा किया ना सोम ने, ये सब उठा के रात को ही मैं थोड़ा सही करके सो जाती हूँ, तो सुबह मेरे को दिक्कत थोड़ी कम होती है, तो मैं रात को थोड़ा क्लीन करके सो जाती हूँ। अगर इसे बिखरे कर होकर बिखरा हुई छोड़ के सो गई ना, तो सुबह एकदम से दिखेगा ना, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए फ्रेंड अभी रात को ये सब अवेयर के और फिर सोऊंगी। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी भी रीजन की वजह से मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।